हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कोल्ड क्रीम का कैसे प्रिपरेशन करते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम की थ्योरी हम देखेंगे और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, फार्मूलेशन कौन से फार्मूलेशन हमें यूज़ करने हैं, उसका यूज़ क्या है, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम आज देखने वाले। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले इस वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए हमें जो केमिकल जो हमें रिक्वायरमेंट लगेंगे वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसमें सबसे पहले केमिकल आते हैं स्टेरिक एसिड, ग्लिसरीन, लैनिलॉन, ट्राइथेनालामाइन, मिथाइल पैराबीन, प्रोफाइल पैराबीन, परफ्यूम एंड वाटर। तो ये जो केमिकल है उसकी कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है और उसका यूज़ क्या क्या है इंग्रेडिएंट का, वो हम अभी देखेंगे इस फार्मूला टेबल से। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसमें सबसे पहले है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड हमें कितना लेना है, 3.6 ग्राम। वो जो स्टेरिक एसिड है वो हमें एज अ थिकनिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें 0.6 ग्राम हमें ग्लिसरीन लेना है, वो हम एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो लैनोलिन है वो हमें लेना है 0.4 ग्राम, वो हम एज अ बफर यूज़ करते। उसके बाद हमें लेना है ट्राइथेनालामाइन जो है 0.2 ग्राम, वो हमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, प्रिजर्वेटिव मतलब उसे वो क्या कर ख़राब नहीं होने देता, उसकी लाइफ वो इंक्रीज करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 0.36 ग्राम आपको मिथाइल पैराबीन लेना है और 0.22 ग्राम आपको प्रोपाइल पैराबीन लेना है। ये दोनों हमें एज अ प्रिजर्वेटिव लेने। उसके बाद आपको उसमें परफ्यूम ऐड करना है एज अ क्वांटिटी सफिशिएंट और वाटर हमें यूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कौन से एपरेटस हमें इस प्रैक्टिकल में लगेंगे। आपको दो बीकर लगेंगे, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, स्पैचुला, पिपेट एंड वाटर बॉथ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी थ्योरी हम देखेंगे। द क्रीम्स आर दोज द इमल्सन विच आर आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। मतलब ये जो वैनिशिंग क्रीम है एक इमल्शन है। इमल्शन यानी क्या होता है, जिसमें वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है, मतलब ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम गेट्स देयर नेम फ्रॉम द फैट दैट सीज टू डिसअपीयर विद स्प्रेड ऑन अ स्किन। मतलब ये जो क्रीम होती है जब हम स्किन पर अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, स्प्रेड होती है। उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे। आपको क्या करना है, दो बीकर लेने हैं। एक बीकर में आपको क्या करना है, स्टेरिक एसिड और लैनोलिन आपको मिक्स करना है और सेकेंड बीकर में आपको क्या करना है, वाटर, ग्लिसरीन, ट्राइथेनालामाइन एंड ये आपको तीनों मिक्स करना है और उसको 60 डिग्री तक आपको क्या करना है, हीट करना है। अलग अलग बीकर में इसको हीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, आपको मिक्स करना है विथ कंटिन्यूस स्टेरिंग। उसके बाद ऐड उसको प्रिजर्वेटिव जो हमने फार्मूला टेबल में देखे थे, वो प्रिजर्वेटिव आपको क्या करना है, उसमें स्लोली ऐड करना है और स्टरिंग करना है। उसके बाद उसमें परफ्यूम ऐड करना है, मिक्स देम थ्रू अ वाटर टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। उसमें आपको क्या करना है, वाटर डालना है और उसको स्टर करके आपका यहाँ पर प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको ये लेबल बनाना है। यहाँ से आप ये लेबल देख सकते हो। आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखने हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी स्टोरेज कंडीशन लिखनी है और यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है और ये लेबल आपको क्या करना है, स्टिक कर देना है।